मैं जा रही हूँ कोची से खुर के लिए, और यहाँ से जो टोटल टाइम एस्टिमेटेड है इस रोड ट्रिप का वो है 8 घंटे, लेकिन बीच में रुकते हुए आपको रास्ते दिखाते हुए एंजॉय करते हुए हम जाएंगे। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, कब पहुँचते हैं। सुबह के 6:30 बजे हैं, हल्का हल्का सा उजाला हो गया है, रास्ते में कहीं ना कहीं सनराइज़ भी दिखेगा, और पीछे बैक वाटर्स की खूबसूरती के साथ बिल्कुल रोड पे किनारे किनारे चलते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, हम करते हैं पूरा सफ़र जो स्टार्ट हुआ है कोची से और एंड होगा कुर्ग पे जाके, कुर्ग जिसे कहा जाता है स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। अभी मैं अपने सफ़र को करते 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 पहुंच चुकी हूं चम्रवत्तम ब्रिज पे। काफ़ी सुंदर सा ये ब्रिज है, अभी मैं आपको पीछे से दिखाऊंगी। दोनों साइड में बैक वाटर्स है, बीच में ब्रिज बना हुआ है, काफ़ी ब्यूटीफुल सा लग रहा है। बज गए हैं 10 और टाइम हो चला है ब्रेकफास्ट करने का, और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट मुझे मिला है प्योर वेजिटेरियन, जहाँ पे अभी रुकी हूँ मैं। और कार यहाँ पे पार्क की गई है। नॉर्मली हम जहाँ पे भी कार पार्क करते हैं नॉर्थ इंडिया में, आप अगर नॉर्थ इंडियन है तो इसको रिलेट कर सकते हैं कि जहाँ भी कार पार्क की जाती है वहाँ पर आपको पे करने होते हैं पार्किंग चार्जेस, बट यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। पार्किंग ऑलमोस्ट सब जगह पर फ्री है, आप जहाँ चाहें अच्छे से बस अपनी कार लगाएं, पार्क करें और मस्ती से इंजॉय करें। फिलहाल ब्रेकफास्ट करने जाते हैं, प्योर वेज रेस्टोरेंट मुझे मिला है इसलिए मैंने सोचा अब यहीं पे कर लेते हैं। बाकी अंदर क्या ऑप्शंस है, क्या है, सारी चीज़ें जाके देखते हैं और कुछ खाते हैं और आपको भी बताते हैं कितने का मिलता है, कैसा मिलता है, कैसा टेस्ट है, सारी चीज़ें। Now we are in a vegetarian hotel. This Pooja is asking me to have a vegetarian food there, and I am 100% non-vegetarian. I don't even like the things that I'm going to have, but definitely I should tell you something. This is appam and this is kadalakari, which is very famous in Kerala. This appam is made of rice, and then this kadala, I don't know what it is made of, but it should taste good. If this was made by my amma, I'm sure that it will be very good. And I'm not sure about this. If it was a non-vegetarian food, I would love to have anything, even if that taste is a little lower side. So, ये है ब्रेकफास्ट, जिसमें ये मुझे लग रही है चने की सब्जी। इसको देख के जो लग रहा है ये चना है, बट इसको यहाँ पे कहा जाता है कडल करी, और ये है अप्पम चावल का। तो जो चार्जेस पे किए हैं हमने यहाँ पे वो है मसाला डोसा 60 रुपये का, जो काफ़ी नॉमिनल चार्जेस है। अप्पम 20 रुपये और कटकली इस 40 रुपीज़। चाय यहाँ पे 10 रुपये की है, तो मतलब आप यहाँ पे 70 से 80 रुपये में हर पेट ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और यहाँ से फिर आगे बढ़ सकते हैं। रास्ते में इस तरह के काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स तो आपको मिलेंगे, लेकिन प्योर वेज ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। Thank you.
डिस्टेंस है दैट इज 400 किलोमीटर, यानी कि ऑलमोस्ट 12 घंटे की ये टोटल जर्नी है जिसका सफर जारी है। दिन के बज गए हैं 12, सन यानी कि सूरज बिल्कुल सर पे चढ़ चुका है, धूप बहुत तेज है और ऐसे में ये सुंदर नज़ारे जिनके कलर्स सनलाइट की वजह से बहुत ज़्यादा परफेक्ट आ रहे हैं। सो लिटरली आई एम एंजॉइंग इट। टोटल 12 घंटे का सफ़र है जिसमें से आई थिंक 2 घंटे का हार्डली सफ़र हुआ है। बाकी आगे बढ़ते हैं, सफ़र के मज़े लेते हैं, नज़ारों के मज़े लेते हैं और ओवरऑल बस मज़े लेते हैं। इतनी सी ज़िंदगी है, मज़े लो, जीते रहो, खाते रहो, पीते रहो, गुनगुनाते रहो और मस्त रहो। सफ़र अभी भी जारी है और मैं पहुंच गई हूँ माहे में। माहे जो है वो पांडिचेरी में आता है यानी यूनियन टेरिटरी। और मैं आपको बता दूँ, प्राइस जो केरला में थी पेट्रोल की वो 94 थी और जैसे ही आप यहाँ आते हैं तो प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। कितना? यहाँ पे जो प्राइस है वो सिर्फ 83 रुपीज़ है, यानी कि इतना ज़्यादा डिफरेंस आपको मिलेगा। तो अगर आप भी इस रूट पे आ रहे हैं तो वहाँ से थोड़ा पेट्रोल भरवा के निकल जाएं कि आप इस जगह तक यानी माहे तक पहुँच जाएं और माहे से अपनी टंकी फुल करवा लीजिए ताकि आप पेट्रोल की प्राइस को बचा पाएँ। ये है फुल्ली के लड्डू, आई डोंट नो आप इसको क्या बोलते हो, लेकिन मैं बहुत बचपन में बहुत जब छोटी थी तब मेरी मामी जी मुझे ये सब ला के देती थी। ये महाराष्ट्र में मिलता था, हमारे यहाँ नहीं मिलता था और अब सालों बाद ही मैं ये सब खाना ही बंद कर दिया। आज सडनली मुझे ये दिखा तो मुझे याद आया कि हाँ इसे भी खाया जा सकता है। पता नहीं यहाँ का टेस्ट कैसा है केरला का, बट जब मैं पहले खाती थी तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता था। अभी भूख लग रही है तो ये खा के देखते हैं कैसा है। इट्स लाइक जैगरी इज देयर लिटिल, बट जैगरी एंड शुगर इज मिक्स, इट्स मेड ऑफ आई थिंक व्हीट फ्लोर that we make puwa, pakodi kind of thing. I find the taste similar to that inside. Outside they have layered it with some color or something like that. कोड से ऑलमोस्ट 116 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मैं अभी हूँ और यहाँ पे जो है कुर्ग का मतलब बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है। पीछे मेरे बहुत ज़्यादा सुंदर सा ब्रिज है और उसके दोनों साइड पे नदी बहती हुई दिखाई दे रही है, चारों तरफ ग्रीनरी है, मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है और ओवरऑल ड्राइव का बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन जल्दीबाजी में मैं अपना कॉम लाना भूल गई, इस वजह से मेरे बाल बहुत गंदे और तेज़ बारिश होने लगी है। सडनली बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो भी अंदर जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मैं दिखा नहीं पाऊँगी। लेकिन मौसम सच में बहुत ही प्यारा है और रास्ता अभी तक थ्रू आउट बहुत अच्छा रहा है। बहुत कम दूरी के लिए धूप थी, अभी भी अगर आप देखेंगे तो इधर मेरी शेडो दिखाई दे रही है धूप की वजह से और ऊपर से बारिश गिर रही है। तो मौसम बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, मौसम का मज़ा लीजिए, नेचर का आनंद लीजिए, मस्ती कीजिए और रोड ट्रिप में बने रहिए। रास्ते में चलते चलते अभी जैसे मैंने एक स्टोरी बताई थी कि पीछे गाड़ी को रोका गया था बट वहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाई, जैसे ही थोड़ा सा आगे आई तो लगा कि भाई सही है वहाँ नहीं किया, आगे बहुत ही अच्छा पॉइंट आया। और जैसे ही यहाँ पे रुकी तो पता चला ये एक काफ़ी पॉपुलर पॉइंट है कुर्ग का और यहाँ पे जो शूटिंग कॉम्पिटिशन होते हैं डिश वाली शूटिंग, वो शूटिंग कॉम्पिटिशन प्लस हॉकी कॉम्पिटिशन होते हैं। बहुत ही प्यारा सा बड़ा सा दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो लॉन टाइप दिखाई दे रहा है और बहुत ही सुंदर स्पेशियस है और गार्डन बिल्कुल ग्रीन दिखाई दे रहा है क्योंकि मानसून सीज़न है तो अभी हर चीज़ बिल्कुल ग्रीन ग्रीन है। वैसे कुर्ग को स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और वो इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटीफुल ग्रीनरी। तो अभी थोड़ा सा रास्ता और रह गया है, हार्डली हाफ एन आवर में हम कुर्ग के मेन टाउन में पहुँच जाएंगे और ये जर्नी ख़त्म होने वाली है।